बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद रऊफ। आज इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है और वो है लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा। यानी आज के लेसन में हम बूलियन अलजबरा के कुछ अहम लॉज को बजिया ट्रुथ टेबल साबित करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस द फॉलोइंग फोर बूलियन अलजबरा लॉज, दैट इज़ नंबर वन कम्यूटेटिव लॉ, नंबर टू एसोसिएटिव लॉ, नंबर थ्री डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड नंबर फोर आइडेंटिटी लॉ। These laws help us to simplify complex Boolean expressions. आइए सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में आपने गुज़श्ता क्लासेस में और ख़ासतौर मैथ के सब्जेक्ट में ज़रूर पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रपोजिशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यानी इसका मतलब यह है कि जब आप दो प्रपोजिशन को कम्बाइन करते हैं तो उसमें तरतीब ज़रूरी नहीं है कि पहले कौन सी प्रपोजिशन लिखनी है, दोनों सूरतों में रिजल्ट एक जैसा होगा। कल क्लासन में आपने एंड और आर ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, उनके ट्रुथ टेबल भी बनाए थे। मैथमेटिकली कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड आर ऑपरेशन कैन बी रिटन एज, नंबर वन ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए, यानी ये एंड ऑपरेशन के वाले से कम्यूटेटिव लॉ है, एंड नंबर टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आर ऑपरेशन के वाले से कम्यूटेटिव लॉ है। अब हम ट्रुथ टेबल की मदद से इनको वेरीफाई करते हैं। चूँकि कम्यूटेटिव लॉ में टू वेरिएबल्स ए और बी हैं, इसलिए इन वेरिएबल के लिए टू पावर टू यानी फोर कम्बिनेशन बनेंगे। आइए पहले कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन वेरीफाई करते हैं। अब ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसका हमने प्रूव करना है और ये एंड ऑपरेशन के जरिए हमने प्रूव करना है। तो इसमें हमारे पास टू वेरिएबल ए बी हैं, तो आप पहले फर्स्ट कॉलम में ए लिख लें और सेकेंड कॉलम में आप बी लिख लें। थर्ड कॉलम में क्या लिखना है हमारे पास, ऊपर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ए डॉट बी है, तो आप थर्ड कॉलम में ए डॉट बी लिख लें। इस तरह फोर्थ कॉलम में आप जो राइट हैंड साइड है ऊपर ला के उसकी बी डॉट है वो फोर्थ कॉलम में आप लिख लें। अब आपने क्या करना है, ए और बी यानी ये दो जो प्रपोजिशन इनकी वैल्यू दर्ज करनी है, यानी टू फॉल्स या ज़ीरो या वन। तो हम यहाँ पर ज़ीरो और वन का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ए कॉलम में आपने क्या करना है कि आप पहले दोनों में ज़ीरो दर्ज कर लें और फिर नीचे दोनों स्केयर खानों में आप वन वन दर्ज कर लें। बी कॉलम में आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली ज़ीरो वन ज़ीरो वन दर्ज कर लें। ये आपके वो चार कम्बिनेशन बन जाएंगे, यानी पहले दोनों प्रपोजिशन वो फॉल्स हैं, फिर एक फॉल्स एक ट्रू है, फिर एक ट्रू एक फॉल्स है, फिर लास्ट पर दोनों आपकी ट्रू हैं, तो ये चार कम्बिनेशन बन जाएंगे। अब ए डॉट बी में आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ज़ीरो डॉट ज़ीरो का मतलब ज़ीरो होता है, ज़ीरो डॉट वन का मतलब भी ज़ीरो, वन डॉट ज़ीरो का मतलब भी ज़ीरो, और वन डॉट वन का आंसर वन आता है। इस तरह लास्ट पे बी डॉट ए के लिए ज़ीरो डॉट ज़ीरो ज़ीरो आएगा, वन डॉट ज़ीरो भी आपका ये ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो डॉट वन का आंसर भी ज़ीरो आता है, और लास्ट पे वन डॉट वन का आंसर भी आपका वन आएगा। आप ये थर्ड और फोर्थ कॉलम दे सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब हम कम्यूटेटिव लॉ को आर ऑपरेशन के जरिए प्रूव करते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें भी आपका पहला कॉलम ए प्रपोजिशन का बन जाएगा, दूसरा कॉलम बी का, तीसरे कॉलम में आपने ए प्लस बी लिख लेना है और फोर्थ कॉलम में आपने बी प्लस ए लिख लेना है। यानी इसमें भी आपने साबित करना है कि थर्ड और फोर्थ कॉलम आपके इक्वल आने चाहिए। अब ए और बी की आपने वैल्यू लिखनी उसी तरीके से, ए कॉलम में आप पहले दोनों ज़ीरो लिख लें फिर दोनों वन लिख लें, बी कॉलम में पहले ज़ीरो फिर वन फिर ज़ीरो फिर वन, ये आपके चार कम्बिनेशन बन जाएंगे। ए प्लस बी आर ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, वन प्लस वन इज इक्वल ट्रू। ये आपने वन प्लस वन इज इक्वल टू वन लिखना है, वन का मतलब ट्रू है, यानी वन प्लस वन आपने टू यहाँ पे नहीं लिखना। इस तरह बी प्लस ए को सॉल्व करते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन, ज़ीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन वन। तो आप इसमें हमें थर्ड और फोर्थ कॉलम दे सकते हैं कि इनकी वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हैं, और इससे जो साबित होता है कि कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आइए अब एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ में तीन वेरिएबल ए बी सी इस्तेमाल होंगे।
According to this law, there is no change in results if a grouping of expression is changed. Mathematically, for R and AND operations, it can be written as A plus B in round brackets plus C is equal to A plus in round brackets B plus C. यह आपका R operation के लिए पहला associative law है. And for second AND operation, A dot B in round brackets dot C is equal to A dot in round brackets B dot C. यह आपका AND operation के लिए associative law है. इसमें आप अगर वेरिएबल की ग्रुपिंग को चेंज भी कर दें तो फिर भी दोनों तरफ रिजल्ट सेम रहेगा, यानी एक जैसा रहेगा. इस लॉ में तीन वेरिएबल हैं, लिहाजा यहाँ पर आपके 2^3 यानी 8 कम्बिनेशन बनेंगे. लेट्स प्रूव एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन. अब ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन. ए डॉट बी इन टू राउंड ब्रैकेट डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट इन राउंड ब्रैकेट बी डॉट सी. तो इसमें आपके तीन वेरिएबल ए बी सी हैं, तो 2^3 ये यहाँ पे आपके ये 8 कम्बिनेशन बनेंगे. इसलिए मैंने जो 8 स्केल्स वाला जो पहले टेबल बना दिया है, सर आपने पहले कॉलम में ए लिखना है वेरिएबल, दूसरे में बी, तीसरे में सी. अब जो चौथा कॉलम आपका जो ब्रैकेट में देखें आपका ए डॉट बी का बनेगा. इस तरह जो पाँचवा कॉलम है आपका इस ब्रैकेट में देखें बी डॉट सी लिख दीजिए आपका बनेगा. और आपका जो छठा कॉलम है वो आपका जो आपने लेफ्ट साइड पे साबित करना है ए डॉट बी डॉट सी वो आपका बनेगा. और लास्ट कॉलम जो आपका राइट हैंड साइड पे आता है ए डॉट इन राउंड ब्रैकेट्स बी डॉट सी, तो ये कॉलम आपको बनेगा. यानी ये लास्ट वाले दोनों कॉलम आपके आंसर जो है सेम आने चाहिए. तो अब यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल का मतलब ये यहाँ पर आपके 8 कम्बिनेशन बनेंगे. तो इन कम्बिनेशन को लिखने का मैं तरीका बड़ा आसान सा आपको बता देता हूँ. पहले आपने ए में वैल्यू दर्ज करनी है, तो आप पहले 4 0 दर्ज कर दें पहले चारों खानों में, और नीचे आप 1 1 दर्ज कर दें 1 1 1 1. ये आपका एक कॉलम फिल हो जाएगा. बी कॉलम में आपने क्या, आप इसका हाफ कर लें, यानी पहले दो खानों में 0, फिर आप 1 1 दर्ज कर लें, फिर आप 0 0, फिर नीचे 1 1. आप सी कॉलम में फिर इसका हाफ कर लें, आप अल्टरनेटिव दर्ज करते जाएँ 0 1 0 1 0 1 0 1. तो ये आपके तमाम जो थी तीन वेरिएबल कम्बिनेशन बन सकते हैं, मुझे तमाम मैंने लिख दिए. आप पहला कॉलम पे आपने एंड ऑपरेशन ए डॉट बी परफॉर्म करना है, और बी को देखते जाएँ और आगे ये अमल करते जाएँ 0.0 0 0.1 0 0.1 0 1.0 0 1.0 0 1.1 1 1.1 1. इस तरह बी डॉट सी, आप बी और सी कॉलमों को देखना है तो 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1. अब आपने जो ये कॉलम ए डॉट बी इन राउंड ब्रैकेट डॉट सी, ये आपने ए डॉट बी ये कॉलम लेना है, और साथ आपने सी वाला कॉलम ला के इन दोनों के ऊपर आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो 0.0 0 0.1 0 आपका आ जाएगा. इस तरह 0.0 0 0.1 0 0.0 0 1.0 0 1.1 1. और लास्ट पे जो आपका ये ए डॉट इन राउंड ब्रैकेट बी डॉट सी आपने साबित करना है, तो आपने बी डॉट सी ये कॉलम लेना है, और ए आपका ये पहला कॉलम है. इन दोनों को मिला के आपने जहाँ पे निकाल इन पे एंड ऑपरेशन करना है. तो ए की वैल्यू 0, बी डॉट सी की 0 0.0 0, इस तरह आगे 0.0 0, फिर 0.0 0 आपका, फिर उसके बाद 0.0 आपका, 0.1 आपका 0 आ जाएगा, फिर 1.0 भी 0 आ जाएगा, फिर 1.0 भी आपका 0 आ जाएगा, 1.0 भी आपका 0 आ जाएगा, और 1.1 1 आ जाएगा. तो आप लास्ट पे ये दोनों कॉलम ए डॉट बी इन राउंड ब्रैकेट डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट इन राउंड ब्रैकेट बी डॉट सी ये देख सकते हैं. ये दोनों कॉलम की वैल्यू बिल्कुल सेम है. तो इस तरह ये आपका एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन ये आपका प्रूव हो गया है. तो इसका जो दूसरा लॉ है वो आपने खुद परफॉर्म करना है, बिल्कुल इस तरह सेम तरीके से है. इस तरह आपने उनके कॉलम बना लेने हैं, और फिर ऊपर लॉ के मुताबिक आपने ऊपर उनका ये लिख लेना, और उनको आपने प्रूव कर लेना है.
आइए अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस लॉ को दो तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, दैट इज एंड ऑपरेशन ओवर आर एंड नंबर टू आर ऑपरेशन ओवर एंड। फॉर थ्री वेरिएबल ए बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैन बी रिटन एज ए डॉट इन राउंड ब्रैकेट्स बी प्लस सी इज इक्वल टू इन राउंड ब्रैकेट्स ए डॉट बी प्लस इन राउंड ब्रैकेट्स ए डॉट सी। यानी आपका पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसको हम एंड ऑपरेशन ओवर आर ऑपरेशन के वाले से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। एंड नंबर टू ए प्लस बी डॉट सी इन राउंड ब्रैकेट्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इन राउंड ब्रैकेट्स डॉट ए प्लस सी इन राउंड ब्रैकेट्स। और ये आपका आर ऑपरेशन ओवर एंड के वाले से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इन लॉ को अब हम ट्रुथ टेबल के जरिए प्रूव करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर ओवर एंड ऑपरेशन। अब हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू आर ऑपरेशन ओवर एंड है, यानी ए प्लस इन राउंड ब्रैकेट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इन राउंड ब्रैकेट्स डॉट ए प्लस सी इन राउंड ब्रैकेट्स। इसमें आपका तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तो इसमें भी आपके ये आठ कम्बिनेशन बनेंगे। तो इस तरीके से आपने पहले कॉलमों में ए तीनों वेरिएबल ए बी सी लिख लेने हैं। आगे आपने देखना है राउंड ब्रैकेट में बी डॉट सी लिखा हुआ है, तो चौथा कॉलम आपका बी डॉट सी का बनेगा। आगे आपका ए प्लस बी है राउंड ब्रैकेट में, तो आगे वाला कॉलम ए प्लस बी का बनेगा। उसके बाद आगे आपके ब्रैकेट्स में ए प्लस सी है, तो आपका ये कॉलम बनेगा। और लास्ट में आपके जो दो कॉलम बनेंगे जो आपने वो प्रूव करना था, यानी ए प्लस राउंड ब्रैकेट बी डॉट सी और लास्ट पे ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी इसको ये लास्ट वाले दोनों कॉलम जो आपने साबित करने होते हैं। तो इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू दर कॉलम, जो आपको मैंने तरीका बताया है कि पहले आप ए वाले कॉलम में चारों जीरो आप दर्ज कर लें, उसके बाद आप चार नीचे वन वन दर्ज कर लें। बी में आप इसका हाफ कर लें, यानी डबल ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन। और सी में आप इसका फिर आपका इसका और हाफ कर लें, यानी ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन। अब आगे आपने बी डॉट सी कॉलम फाइंड करना, तो बी और सी के इन वैल्यूज को लेते हुए आपने इस पे एंड प्रेस करना है, ज़ीरो डॉट ज़ीरो 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 डॉट वन ज़ीरो वन डॉट ज़ीरो ज़ीरो वन डॉट वन वन ज़ीरो डॉट ज़ीरो 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 डॉट वन ज़ीरो वन डॉट ज़ीरो ज़ीरो वन डॉट वन वन। इस तरह आगे ए प्लस बी आपने आर प्रेस करना है और बी कॉलमों पर, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो 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 प्लस ज़ीरो 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 प्लस वन वन ज़ीरो प्लस वन 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 प्लस ज़ीरो वन वन प्लस ज़ीरो वन वन प्लस वन 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 प्लस वन वन। फिर आगे आपने ए प्लस सी ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए और सी कॉलम को लेते हुए लेते हुए, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो 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 प्लस वन वन ज़ीरो प्लस ज़ीरो 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 प्लस वन वन। और नीचे आपका यह आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो वन वन प्लस वन 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 प्लस ज़ीरो वन वन प्लस वन वन। अब लास्ट पे आपने ए कॉलम और साथ आपने बी डॉट सी इस कॉलम को लेना, उसके दौरान आपने आर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी ए और बी डॉट सी वाले कॉलम को। और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है आपने, आर ऑपरेशन। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो 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 प्लस ज़ीरो 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 प्लस ज़ीरो 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 प्लस वन 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 प्लस ज़ीरो वन वन प्लस ज़ीरो वन वन प्लस ज़ीरो वन वन प्लस वन वन। इस तरह आखिरी कॉलम में ए प्लस बी इस कॉलम और ए प्लस सी इन दोनों कॉलमों को लेते हुए आपने दरमियान आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ज़ीरो डॉट ज़ीरो 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 डॉट वन ज़ीरो वन डॉट ज़ीरो ज़ीरो वन डॉट वन 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 डॉट वन 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 डॉट वन 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 डॉट वन 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 डॉट वन वन। तो आप लास्ट पर दोनों कॉलम दे सकते हैं, दोनों में बिल्कुल वैल्यू एक जैसी हैं, सेम है। तो इस तरह से साबित होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू आर ऑपरेशन ओवर एंड, वो दोनों साइड पे उनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम है। तो इस तरह इसका जो बाकी आपने दूसरा पार्ट है वो आपने खुद साबित करना, बिल्कुल इसी तरीके से वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आइए अब आखिर में आइडेंटिटी लॉज को प्रूव करते हैं। देयर आर टू आइडेंटिटी लॉज। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी लॉ, इफ ए वेरिएबल इज ऑड विद फॉल्स रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए,
इसमें वेरिएबल ए को ज़ीरो यानी फॉल्स के साथ ऐड किया गया है, यानी वेरिएबल ए और सिफर के दौरान ऐड ऑपरेशन है। इसमें अब आप ए की जो भी वैल्यू रखें वही जवाब आएगा, यानी अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर ए की वैल्यू वन रखें तो वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, यानी जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी जवाब वही आता है। दैट इज़ इफ़ वेरिएबल इज ऑड विद फॉल्स द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल, दैट इज ए आर फॉल्स इज इक्वल टू ए। एंड सेकंड आइडेंटिटी लॉ स्टेट दैट इफ वेरिएबल इज एंड विद ट्रू द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। मैथमेटिकली इट इज़ रिटन एज ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। इसमें वेरिएबल ए और वन के दरमियान एंड ऑपरेशन है। अब आप वेरिएबल ए की वैल्यू वन लें या सिफर लें तो जवाब वेरिएबल की वैल्यू के मुताबिक ही आएगा, जैसे फॉर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो डॉट वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड फॉर ए इज इक्वल टू वन, वन डॉट वन इज इक्वल टू ए। हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट ए एंड वन इज इक्वल टू ए, ए एंड ट्रू इज इक्वल टू ए। तो इस तरह आज का ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया है, जो दो पार्ट्स मैंने एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के छोटे वालों ने सॉल्व करने हैं, और आप लोगों ने इस पूरे यूनिट की अपनी कापियों पर नोट्स भी बनाने हैं। तो नए यूनिट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।